अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सही शहरोज अली और आप देख रहे हैं ब्लॉग वाला पर यूट्यूब चैनल। अच्छा, 2 महीने के बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है और आज है संडे, वीकेंड ख़त्म होने वाला है। तो आज हमने सोचा कि यार 2-3 दिन हमने मतलब अभी रज के जिसे कहते हैं ना, हमने की है कमाई, ऐसे ही हम दीन साहब ऐसे बहुत प्रोजेक्ट लोगों के प्रोजेक्ट्स बना बना के पैसा कमाया। 2000 भी आ गए वो भी। जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे, 2000 रुपया दे रही है। तेरे को हराफी समझता था तो राम निकला रे, देव मानुस। हाँ, वो उसकी हम वीडियो बनाएंगे, उसके हमने खड़ा वगैरह खाना उसके साथ। अच्छा, अब सीन ये है कि आज है जी संडे, आज हम सोच रहे हैं कि अच्छा मतीन ने हमारा रेकमेंड किया कि यार एक ना यहाँ पे मुनार रेस्टोरेंट बना है नया, जिसका खाना जो है वो बड़ा अच्छा है, मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वाला है, लेकिन जो प्राइस है वो है ढाबे वाले गरीबा दी हट्टी वाली उसकी प्राइस है। और अभी हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं उनके क्या सीन है, और मेन्यू से देखते हैं, फिर जाके हम देख लेंगे कैसा खाना। अच्छा जी, बात करें अगर लोकेशन की, तो अगर आप आर्किटेक्ट सोसाइटी से आते हो तो सीधा आपने आते रहना है और आपने अपने राइट पॉइंट जाना है। आपने एयरलाइन सोसाइटी के अंदर जो मस्जिद है उसके साथ बिल्कुल है अल रहमान आर्केड, उसके साथ ही रेस्टोरेंट है। अच्छा जी, हम इस वक्त मौजूद हैं मुनार पे। यार मैंने सोचा था, मैं बाहर से एक दो दफ़ा गुजरा हूँ लेकिन मैं अंदर नहीं आया था। मैंने कहा हल्का फुल्का होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए होता है, स्टूडेंट्स के लिए ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जो मतलब इतने ज़्यादा वो VIP इतने खर्चे नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट ने बाहर से खाना ही खाना था जो हॉस्पिटलाइट होते हैं, तो वो ये नहीं देखते यार कि कैसा एटमोसफेयर है। ये रेटिंग क्या तो मेरा भी ये भाइयों के साथ जाऊँगा मैं, मेजोरिटी के साथ, क्योंकि हम इस वक्त डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो मैं भी इन्हीं के साथ जाऊँगा। तो बाकी सिनेमैटिक शॉट्स में चेक करो कैसे सीन है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? जी सर। अच्छा, सीन ये है कि क्या खाना है, बारबेक्यू खाना है? बारबेक्यू कढ़ाई भी खा लेते हैं। कढ़ाई ठीक हो गया। सिकंदरी टिक्का आप एक सीख इसकी कर दो, और एक आप मलाई बोटी कर दो, और दूसरी कौन सी करवा लें, कबाब करवा लें साथ? रेशमी कबाब करवा लें। चलो एक रेशमी कबाब कर दो सीख, एक रेशमी कबाब। 3 सीखें हो गई आपके, ठीक है। और इसके साथ साथ यार उसके अलावा भी हल्का हल्का कर लेते हैं। कढ़ाई में ऑप्शन ये हैं, ये सर ये चिकन में है, ये मटन में है, और ये बीफ है। ठीक, अगर आप हांडी बनवाना चाहें हांडी भी है, ये कढ़ाई वगैरह ये हांडी वगैरह। आई थिंक कढ़ाई इज़ अ बेटर ऑप्शन देन हांडी, ठीक है। कढ़ाई ठीक है, तो मखनी करनी है या वाइट कौन सी करनी है देख लो। मखनी कर लेते हैं, मखनी कर ले, मखनी करो। चलो हाफ हाफ करवा लें, क्योंकि सीखे नहीं है सर, हाफ कर दो। मखनी कढ़ाई होगी। थोड़ी सी लेट हो गई है बस, रश ज़्यादा था इसलिए। हाँ, बाकी बारबेक्यू वगैरह भी ला दो। बारबेक्यू भी आ गया सर। अच्छा, पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। प्रॉब्लम सारा खाने के बाद। अच्छा, अभी ना ये मतीने वाली बोटी खाई है, कह रहा है यार कढ़ाई के अलावा इसने खाई, कहता बड़ी अच्छी है, कहता कुछ लगाना नहीं है साथ। अच्छा जी, ये सीन है जी, इसका देखते हैं जी। अच्छा यार, बहुत अच्छी गई, बहुत मज़े की भाई, मैं तो कढ़ाई छुआ, मैं यही खा रहा हूँ। अच्छा, ये पूरी लेग है, ठीक है, ये देखो पूरी इसके ऊपर थोड़ा मसाले सारे अंदर ही फील किए हूँ। जी क्या सीन है यार, बारबेक्यू मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल, और कढ़ाई बहुत मज़े आएगी, बहुत मज़े। अच्छा, अगर पेड़ होती ना तो फिर तो आप सोचो यार ये बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, पेड़ भी नहीं है। पैसे भी हमने जेब से नहीं, पैसे भाई पैसे भी जेब से जाएंगे, लेकिन पैसे से ही हलाल हो गए, और इतनी महंगी भी नहीं है। अभी आपको मेरे एड्रेस ना डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूँगा, और एंड पे पिक्चर एक लगी होगी, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। रोटी जोटी हमने अब खा ली है, बारबेक्यू भी चट कर गए। फिलहाल ने कहा था यार इनका नान भी टेस्ट कर लेते, क्योंकि नान हमने वहाँ पर भी हमने खाया था जब नहरी खाने गए थे, बहुत अच्छा था नान। अच्छा, नाउ इट्स कम फॉर द टाइम ऑफ रिव्यू। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त
खानों के शौकीन मतीन साहब, मतीन कल पूरे डेढ़ ग्रिल बर्गर खा गया, ऊपर से लोडेड फ्राइज भी। अच्छा मतीन साहब, क्या मतीन साहब क्या सीन है, आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया, मुल्तान की भी आप लोग खाते रहते हो, तो क्या सीन है इसका? यार बारबेक्यू ना मैंने बहुत जगह का टेस्ट किया, ठीक है, बारबेक्यू यहाँ का बहुत नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। अभी मैं वही बात कर रहा था कि लास्ट टाइम हमने बुंदू खान का बारबेक्यू टेस्ट किया था, अगर मैं कंपेयर करूँ तो उससे भी बहुत नेक्स्ट लेवल है इनका बारबेक्यू, प्राइस में भी और प्राइस में भी तो बहुत ज़्यादा। नाउ कम टू बिलाल। यस बिलाल, बारबेक्यू बहुत अच्छा, ट्राई भी बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत ही बहुत अच्छा, मैंने पहली दफ़ा ये ऐसा खाया, मतलब कि पहले नहीं वो ट्राई की थी। अच्छा सीडी टॉप पर कभी हमने एक वीडियो बनाया था, उसको भी छोड़ दो आप, वो भी अब मैं तो कहता हूँ उसके भी आगे ज़्यादा लगा। अभी ऑफ द कैम बिलाल यही कह रहा था कि अभी जो है ना इनको अभी फैमिली को अपने ले कर आएगा ये, और यहाँ पर फिर ले कर आके फिर इन्हें खिलाया रहेगा, क्योंकि टेस्ट इनका बहुत ज़्यादा लेस है। आई थिंक इट्स अ बेस्ट प्लेस फॉर द हॉस्टलाइट और जो घर से दूर है, अगर तो उन्होंने खाना खाना है। अच्छा अभी हमने ये खाया है, मतलब आप कुछ दिनों बाद आते हो या कुछ अरसे बाद आते हो ये खाने के लिए, बारबेक्यू वगैरह या कढ़ाई वगैरह, लेकिन जो बाकी इनके खाने हैं, मतलब कढ़ी वगैरह, वो भी मतीन भी बता रहा है कि उनकी जो कढ़ी और सालन वगैरह वो भी आपको आता है। हाँ बिलाल ने वाइट कौरमा खाया है कह रहे हैं, और वो भी आपको आता है, और इस वक्त जो चिकन वगैरह है ना, चिकन की जो वराइटीज़ हैं वो बहुत कमाल है। इनकी एक बोटी थी शाकार, क्या थी, हाँ सिकंदरी, हाँ सिकंदरी नहीं सॉरी सिकंदरी बोटी, सिकंदरी बोटी कहते हैं, वो थोड़ी सी है महंगी, लेकिन उसको जो है ना वो बोटी जो है वो आपने देखा था अभी, वो तो मेरे सिकंदर है, सिकंदर है चिकन का, और वो भी नेक्स्ट लेवल है। सिकंदरी बोटी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि चीज़ जो आपको पता लगेगी, चिकन का रेट आपके सामने है, लेकिन और बाकी जो चीज़ें थी वो भी आपने अभी देखी, कमाल है। और पी से भी खा रहा है मतीन, मेरा अभी फुल हुआ पड़ा हूँ, ऐसे कहते हैं ना अल्ट्रा फुल, और मतीन से मैं पूछता हूँ कि पीस का क्या रिव्यू है। यस मतीन साहब, पीस ना यार मैं अभी आपसे वही बात कर रहा था कि इनके जो शेफ़ है ना, इन्होंने पकाया बहुत अच्छा हुआ, देख रहे हो कि, और अंदर तक ये देखो फुल जूसी, ठीक है आपको अंदर तक टेस्ट मिलेगा, ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है और अंदर से बिल्कुल लाइट है, वो सीन है। मतीन नान का क्या सीन है? बहुत अच्छा था यार नान, मैं कहता हूँ जितना देखने में प्यारा था उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट में, बहुत अच्छा नान। हमारे यहाँ ना मुल्तान में ना चौधरी वाले हैं, ठीक है चौधरी शरीफ, उसकी ना मलाई बोटी बड़ी फेमस, ठीक है। उसके बाद मैंने किसी की मलाई बोटी मुझे पसंद नहीं आई उसकी खाने के बाद, मैं कहता हूँ उसकी कमाल बहुत सा बहुत कबाब थोड़ा वो हो गया, उसकी वजह से ठंडा हो गया, ठंडा हो गया इस वजह से थोड़ा सही लग रहा, लेकिन बाद ही गर्म हो गया बहुत, ट्राई बड़ी अच्छी है, बिल्स वगैरह है वो मैं इनकी लोकेशन वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बाकी अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।